आज की यह वीडियो अगर आप देखते और सुनते हो तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के हर समस्या का हल आपको मिल जाएगा। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। पैरों को लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाते हैं और मन को लगने वाले चोट समझदारी से जीना सिखाते हैं। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कुछ संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते कि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। कर्म का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। पलटकर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहोगे तो लोग बोलने की मर्यादा भूल जाते हैं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलें, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता, और हो विश्वास अगर ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। समय बहरा है, उसने किसी की ना सुनी, परंतु वो अंधा नहीं, उसने सबको देखा है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। फिक्र तो वो करे जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। मुस्कुराते रहो, क्योंकि कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अच्छा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से मात्र मनुष्य प्रसन्न होते हैं, ईश्वर तो आपका सदाचार और नियत देखते हैं। ईश्वर को जिससे जो कराना है वह करा लेता है। ना हम श्रेष्ठ हैं, ना हम खास हैं, बस हम ईश्वर के दास हैं। जीवन में समस्या पैदा करने वाले का कद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर ईश्वर की कृपा दृष्टि से बड़ा नहीं हो सकता। समय से हारा या जीता नहीं जाता, अपितु समय से सीखा जाता है। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। हालात को ऐसा ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालातें हार जाएं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है, इसे तुम जहां लगाओगे वहीं सफलता पाओगे। काम बड़ा करिए, मगर बर्ताव ऐसा करिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एक महान व्यक्ति की यही पहचान होती है। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आते, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। इसलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग ही आपके जीवन का हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में वृंदावन द्वार का काशी है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितना भी तेज हो वो समंदर सुखा नहीं सकता। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता,
और चिंता भविष्य नहीं संवार सकता, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। धैर्य रखने से हम उन कार्यों में भी सफल हो जाते हैं जो शुरू में असंभव नजर आते हैं। परमात्मा हमारा भाग्य लिखते अवश्य हैं, किंतु जीवन के प्रत्येक कदम पर अपनी सोच, वाणी और कर्मों के माध्यम से हम अपने भाग्य को नया आकार देते हैं। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, यह वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। अगर ऊपर वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं तो नीचे वाले आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एक हाथ में मक्खन और दूसरे हाथ में चूना रखें, जब जैसा मौका मिले वैसे लगाते चले, सफलता आपके कदम चूमेगी। दुनिया में हजार रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों तुम्हारे खिलाफ हो तो एक तुम्हारा साथ हो। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, जब कर्म का चक्र वापस घूमकर तुम पर आएगा तो कहीं के नहीं रह जाओगे। कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सजा देती है तो याद रखना, बोलने लायक तो दूर, इंसान को रोने के काबिल तक नहीं छोड़ती। समझदार वो नहीं जो पढ़ा लिखा हो, समझदार तो वो है जिसे मालूम हो कि किसे कब कहाँ किस लहजे में बात करनी है। राधे राधे, सबको मेरा प्रणाम, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।